बार की बात है, एक छोटे से गांव में जहां प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्यमय वातावरण था। यहां का सबसे अजीब और रहस्यमय स्थान था जो किसी भी व्यक्ति के लिए चमत्कारी था। एक दिन गांव के एक युवक नामक अर्जुन ने उस रहस्यमय स्थान के बारे में सुना। उसने सुना कि वहां एक प्राचीन पुस्तक है जो सबसे बड़ी और सबसे खोजी गई चीज है। चरण चरण चलते हुए अर्जुन ने निर्धारित किया कि वह उस पुस्तक को ढूंढेगा। वह रहस्यमय स्थान की ओर बढ़ा और वहां पहुंचकर उसने वह पुस्तक पाई। उसने पुस्तक को खोला और तब हुआ वे है कुछ जो उसने कभी सोचा नहीं था। पुस्तक ने उसे चुनौती दी कि वह गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे बिना उस पुस्तक को पढ़ सकता है। अर्जुन को लगा कि ये कठिन होगा, लेकिन वह अपने सपने को पूरा करने के लिए तैयार था। वो गांव के लोगों से राह चलते हुए ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ा। पहाड़ी पर पहुंचते हुए उसने वह पुस्तक पढ़ी और तब उसे वहां से कुछ अद्भुत दृश्य दिखाई दिए। पुस्तक में लिखा था कि वह एक मायावी आयाम में पहुंच चुका है जहां उसे एक नया विश्वास और समझ मिलेगी। अर्जुन ने वहां नए जगत के साथ जुड़ने का निर्णय किया और वहां से वापस नहीं आया। उसने वहां अपनी नई दुनिया में नए अनुभवों का सामना किया और सबको यही सिखाया कि सपने सच हो सकते हैं। इस तरह उसने वहां अपनी नई जगह में खुशियों का सामना किया और सपनों को हकीकत में बदलने का जादू सीखा। और इस अनोखी कहानी का अंत तब हुआ जब उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति पाई। क्या आपको ये कहानी पसंद आई?